राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित लोक अदालत की जस्टिस पंकज भंडारी ने विधिवत शुरुआत की। लोक अदालतों के लिए जयपुर और जोधपुर सहित 512 बेंचों का गठन किया गया है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अटारी ने बताया कि लोक अदालत में 5,79,278 प्रकरण सुनवाई के लिए चिन्हित किए गए हैं। लोक अदालतों में ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से सुनवाई की जा रही है। आज 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विगत 4 महीनों से ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर रहे हैं जिनमें आपसी समझाइश राजीनामे के आधार पर पक्षकारों को बिठाकर और उनसे बातचीत के जरिए प्रकरणों का समाधान संभव हो सके। इस 4 महीने की प्रक्रिया में हमने MACT केसेस, फैमिली लॉ के केसेस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस और ऐसे तमाम केसेस जिसमें पक्षकारान के बीच में कोई छोटे विवाद हैं, ऐसे विवादों को चिन्हित किया। हमारे काउंसलर्स को वहाँ पे मीटिंग के द्वारा जो है उनके बीच में वार्ता करवाने में जो है सफलता मिली। विगत वर्षों से ज़्यादा प्रकरण जो है चिन्हित कर पाए और हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल राजीनामे के आधार पर करवाने की ओर अग्रसर हैं। पिछली बार हमने पेंडिंग केसेस के रेफरेंस में जो है लगभग 3,17,000 केसेस का पिछली लोक अदालत में डिस्पोजल किया था। ये सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम एक अच्छी सफलता की ओर अग्रसर हैं। लगभग 4 लाख से ज़्यादा केसेस की हम इसमें फैसले करवाने में सफलता हासिल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।